गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक हमारा है पायरेसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है, कमाना है पैसे, तो आपको सीखना पड़ेगा कैंडल के बारे में। तो हमारा टॉपिक फर्स्ट है, व्हाट इज अ पायरेसिंग लाइन कैंडलस्टिक्स। आपके सामने कुछ यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल ड्रॉ किए और कुछ मैंने यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किए, ठीक है। अगर आपका कुछ इस तरीके के दिखे तो इसको क्या बोलते हैं, पायरेसिंग लाइन। इसमें आपको चार पांच कंडीशन ध्यान देना है, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आपका इस कैंडल का आपको हाई ओपन लो तो शायद मालूम रहेगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जाके मेरी बेसिक वीडियो देख सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे दो कैंडल दिख रहा है, एक दिख रहा है रेड दिख रहा है और दूसरा आपको यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब इसमें आपको दो लॉजिक, एक ऊपर का लॉजिक ध्यान देना पड़ेगा और नीचे का लॉजिक ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, ऊपर का लॉजिक क्या है, ऊपर का लॉजिक ये है कि भाई देखिए, जो इसका यहाँ पे जो ओपन पॉइंट है एंड हाई जो पॉइंट है, इसका ओपन पॉइंट इसका हाई पॉइंट, मान लीजिए इसका 20 रुपए ओपन पॉइंट है एंड हाई मान लीजिए 25 रुपए, तो इसका जो क्लोज पॉइंट है ना वो आपका 15 रुपए होना चाहिए और हाई पॉइंट 17। मतलब इस प्राइस को ब्रेक नहीं करना चाहिए यहाँ पे। बस फर्स्ट कंडीशन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ का जो जो प्राइस रहेगा, जिस मान लीजिए यहाँ पे इसका 20 रुपए प्राइस, इसका 25 रुपए प्राइस है, तो जो इसका इस कैंडल का है ना, इस कैंडल का यहाँ पे इसका ब्रेक नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमारा यही रहेगा। और नीचे का सेम देखिए, यहाँ पे इसका क्लोज पॉइंट है एंड लो पॉइंट है, इसके ओपन पॉइंट एंड लो पॉइंट को मतलब यहाँ पे ब्रेक कर देना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी मैं आपको समझा। देखिए, मान लीजिए इसका क्लोजिंग पॉइंट मान लीजिए आपका हो गया 15 रुपए एंड लो कितने लगा आपका 10 रुपए, तो जब यहाँ से कैंडल शुरुआत होगी ना, तो यहाँ पे इसका ओपनिंग यहाँ इसका 8 रुपए होना चाहिए और लो एटलीस्ट आपका लो होना चाहिए 5 रुपए। इसका मतलब जो इसका ये प्राइस है यहाँ पे, इसको यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे इतना आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, मान लीजिए आपका अगर पैटर्न कहाँ बनेगा, बॉटम बनना चाहिए, ठीक है दोस्त, बॉटम बनेगा आपसे अच्छा इसका एक्यूरेसी आएगा। देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक बिग रेड है, ओके, और फिर यहाँ पे आपका क्या ग्रीन है, ओके, तो ग्रीन है यहाँ पे नेक्स्ट है। अगर हमको यहाँ बाय करना है, स्टॉप लॉस हमको यहाँ लगाना है, टारगेट आपका जो मिलेगा 1:2, 1:3 आपका आराम से मिलेगा। तो सिर्फ इस वीडियो में क्या करना है आपको, देखिए इस अभी आपको सिर्फ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, फिर आपको सिर्फ थोड़ा लॉजिकली ध्यान देना पड़ेगा भाई। पर पॉइंट ब्रेक नहीं होना चाहिए, नीचे का पॉइंट ब्रेक होना चाहिए, नीचे का प्राइस ब्रेक होना चाहिए, तो पायरेसिंग लाइन कैंडलस्टिक माना जाएगा वरना नहीं माना जाएगा।